माननीय नीतीश कुमार जी को कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार करने की क्षमता किसी में नहीं है। बिहार में कहता है कॉपी कलम लेके हमको बुलाइए तो हम विकास के बारे में बताएंगे, उद्योग धंधा के बारे में बताएंगे। तुम्हारे पिता ने 123 चरवाहा विद्यालय बनाया और माननीय नीतीश कुमार जी ने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। समझ में नहीं आता है, नीतीश कुमार अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 रुपया प्रति महीना पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। है दुनिया देश के अंदर में कोई राज्य जो 10 रुपया महीना पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे? जीडीयू कार्यालय में 15 साल बेमिसाल पर नीतीश के कार्यों का बखान किया गया, तो वहीं जीडीयू प्रवक्ता ने किस तरीके से लालू यादव पर हमला बोला है, हम आपको दिखाएंगे कि नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। कह रहे थे कि उपचुनाव जनता दल यू नहीं जीतता है, लेकिन आदरणीय ललन बाबू आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उस परंपरा को तोड़ा और कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जनता ने मुहर लगाई। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय विमर्श का विषय है राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी राजनीति के भीड़ में अलग हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा, एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति, उस व्यक्ति ने बिहार के प्रतिष्ठित महाविद्यालय साइंस कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, चंद दिनों की सरकारी नौकरी किया, लेकिन ये तय कर लिया कि नहीं, हमको बिहार जैसे राज्य में और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनानी है। हमको इस बात का गौरव है कि माननीय नीतीश कुमार जी को कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार करने की क्षमता किसी में नहीं है। ये हमारी शानदार उपलब्धि है। मित्रों, विस्तार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, मैं केवल 2-3 बात की चर्चा करना चाहता हूँ। एगो नेता है बिहार में, कहता है कॉपी कलम लेके हमको बुलाइए तो हम विकास के बारे में बताएंगे, उद्योग धंधा के बारे में बताएंगे। अरे जब पढ़ना था तो 8वां 9वां पास किया, उस समय तो क्रिकेट खेल रहा था। अब क्रिकेट में हाल इनका था कि एक्स्ट्रा प्लेयर ही हो गए थे, एक्स्ट्रा प्लेयर। अरे कलम कागज में अगर ताकत है, तुम्हारे पिता के कलम कागज में ताकत है तो लिखो। तुम्हारे पिता ने 123 चरवाहा विद्यालय बनाया और माननीय नीतीश कुमार जी ने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। समझ में नहीं आता है, यह समझ में नहीं आता है कि हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज, ANM, GNM, मेडिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ITI, महिला ITI की स्थापना किया। तुमको कागज कलम लिखने में डर लगता है, हिंदी आता है कि अंग्रेजी आता है, कौन ज्ञान है तुमको? अरे लिखना है तो लिखो। माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास की जो इमारत लिखी है, मैं राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि कोई बिहार का जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रफल देख ले और विकास के किन मानकों पर बिहार की चर्चा करना चाहते हो। हमारी पार्टी का पंचायत का अध्यक्ष सक्षम है, तुमसे बहस कर लेगा। यह हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की उपलब्धि है। हमने पुरुषों का सम्मान किया है, चाहे वो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, या भी भोला पासवान शास्त्री हो, ये तमाम पुरखे जो हमारे रहे हैं, इनके प्रति भी अगर किसी ने सम्मान इस बिहार में दिखाया है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उनके नाम पर संस्थाओं का निर्माण करके दिखाया है। इसलिए मित्रों, हम यह कहना चाहते हैं, सीखना चाहते हो तो सीखो नीतीश कुमार से। चरवाहा विद्यालय में तो बच्चों से फी लेता था और माननीय नीतीश कुमार अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 रुपया प्रति महीना पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। है दुनिया देश के अंदर में कोई राज्य जो 10 रुपया महीना पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करवा रहे बच्चों को? उसके बाद भी अगर विकास नजर नहीं आता है तो भगवान तो कारागार पहुंचाइए दिए, अज्ञान का भी कारागार में कैदी रह जाइए। हम बिहार की जनता की सेवा करने को तैयार हैं। इसलिए मित्रों, हम यह कहना चाहते हैं, रोजगार के बारे में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग बोलेंगे, लेकिन हम एक उदाहरण देना चाहते हैं और जनता दल के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, इसको जोर से सोशल मीडिया में चलाइए। ये कहता है रोजगार में आईना दिखाते हैं। लालू प्रसाद एक ऐसी शख्सियत है जो नौकरी के नाम पर अपने परिजन को भी नहीं बख्शा है,
लालू यादव जी आज आए हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में, हिम्मत है तो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या यह सही नहीं है कि आपने अपने राष्ट्रीय जनता दल में मंगरू यादव जी के, जो उनके लालू जी के भाई हैं, उनके पुत्र रमाशंकर यादव, त्रिवेणी यादव, कमल यादव, इन लोगों से आपने जमीन नहीं लिखवाया? अपने भाई से जमीन लिखवा लिया, आपको लालू जी याद नहीं होगा, क्योंकि आप तेजस्वी के नाम पर भी लिखवाते थे और तरुण के नाम पर लिखवाते थे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, तौजी नंबर 3196, खाता नंबर 74 और प्लॉट नंबर 892, आपको नहीं याद होगा। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि लालू यादव आईना है, देख लो माननीय नीतीश कुमार जी को, आपके परिवार के मंगरू यादव के पुत्र रामानंद यादव की पुत्र वधू है, उसका नाम है श्रीमती गुंजन यादव, अभी शिक्षक में उसका काउंसिलिंग हुआ है, हम लोग जमीन नहीं लिखवाए, अब वह बेटी शिक्षक की नौकरी करेगी आपके परिवार में, लेकिन उसी परिवार से आपको मौका मिला तो आपने उससे जमीन लिखवा लिया, यही अंतर। इसलिए हम कहना चाहते, रोजगार की बात करते हो, नौकरी के नाम पर जमीन लेने का हमने गुनाह नहीं किया है, लेकिन तेजस्वी यादव हम बताना चाहते हैं, तुमको पेट में दर्द हो रहा होगा रोजगार के नाम पर, फुलवरिया में अमरेश राम पिता मेघनाथ राम को सरकारी नौकरी लगी, एक कट्ठा जमीन को ये लिखवाया, राजू ठाकुर अति पिछड़ा जमीन नहीं लिखवाया, नौकरी लग गया फुलवरिया में, राजेश साह उसको नौकरी लगी, जमीन नहीं लिखवाया गया, गुंजन यादव इससे जमीन नहीं लिखवाया गया, राबड़ी देवी अपने गांव में नहीं बख्शी थी, जान जाइए उदाहरण, नहरों में नहरा में भी जमीन लिखवाई, अजय कुमार सिंह उनको अभी नौकरी लगी है, एक कट्ठा जमीन, अवध किशोर सिंह, श्रीमती मंजू देवी, ये समाज के महिला दलित महादलित अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, उनको भी यह जमीन नहीं लिखना पड़ा, लेकिन आपके राज में समाज का कोई तबका बचा नहीं, अपने गांव में अपने ससुराल को भी तो लालू जी आपने बख्शा नहीं, ऐसे विस्तार से आदरणीय ललन लाल बताएंगे। और हम केवल यह कहना चाहते हैं, जनता दल को गर्व करना चाहिए, कौन है नेता देश के अंदर में राष्ट्रीय विमर्श में हमको बताए जिसको 21 अवार्ड मिला, देश और दुनिया ने पुरस्कार से नवाजा है हमारे नेता नीतीश कुमार जी को, और कौन कौन अवार्ड मिला? लालू जी आपको तो बाहर जाना होगा तो पासपोर्ट पर भी लिखवाना होगा कि न्यायपालिका आदेश देगा कि नहीं, और माननीय नीतीश कुमार जी को यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाई लेवल क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट लीडर की उपाधि दिया, ये जनता दल के लिए गर्व की बात है। बेस्ट चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिला, और आप कहते हैं आपको एक अवार्ड मिला है जी, वो नहीं हुआ लालू यादव के, वो ही हुआ है अवार्ड का, हाँ अवार्ड मिला उनको आदरणीय ललन बाबू के कृपा से कि वह कैदी नंबर 3351 अवार्ड एक और मिला उनको लालू जी को, 7 बार जेल की यात्रा करना पड़ा, आप लोग को याद नहीं होगा, लिख लीजिए बोलते रहिएगा, लालू जी का 1612 दिन 4 साल 1 महीना 12 दिन जेले में रह गए 1612 दिन, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल की सलाखों में रहता है और वह दूसरे को नसीहत देता है, और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी अभियान लागू किया, बिहार जैसे राज्य को इस बात का गौरव प्राप्त है कि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा बोलता है कि शराब के नशे में एक भी दुर्घटना नहीं हुई। हम यह लालू यादव से पूछना चाहते हैं, शराबबंदी वापस लेने की बात करते हैं? यह राजद का संविधान है, और राष्ट्रीय जनता दल अपने संविधान पर बताए, संविधान का दूसरा, संविधान की धारा 5 ख के अनुसार सदस्यता लेने का शर्त है, मैं अपने को मादक द्रव्य औषधियों के प्रयोग से दूर रखता हूं। अगर मादक पेय से दूर रखने की बात राजद के संविधान में है
तो लालू प्रसाद जी आपसे मेरा सवाल है कि आपने शराबबंदी क्यों नहीं लागू किया 15 अगस्त तक आपको राज करने का मौका मिला। और अगर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी लागू किया तो आप शराबबंदी को वापस लेने की बात करते हैं, इसका मतलब संविधान राजद का आपके कूड़ेदान में है। संविधान के मानक पर जो खुद नहीं उतरेगा वो दूसरे को नसीहत दे रहा है। इसलिए हम आपसे ही अनुरोध करना चाहते हैं मित्रों, जनता दल के तमाम साथियों को, कि पार्टी के कार्यक्रम को और उसके सामाजिक प्रभाव का, सामाजिक चक्रण पर करता हुआ प्रहार, उस दिशा में आगे बढ़िए और गर्व के साथ इस बात को कबूल करिए कि हमारा 15 साल बेमिसाल है। और जिससे भी तुलना करना हो, चाहे जो 45 साल राज किया हो या देश और दुनिया का, देश के अंदर में कोई नेता से तुलना करना हो, सर झुका करके मत बात करना, कहना कि हमारा नेता सर्वोपरि है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें, आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।